मंगलपुर नाम का एक गांव कई सालों से एक शरारती चुड़ैल से परेशान था। चुड़ैल के लिए तो उसकी हरकतें मजेदार लगती थी, लेकिन वो दूसरे लोगों को काफी परेशान करती थी। मेरी दुकान, मेरे फल, ये एक दिन जरूर पछताएगा अपने हरकतों पर। ऐसे ही मस्ती करते करते वो चुड़ैल जाकर एक ऋषि को भी परेशान कर देती हैं। तब वो ऋषि गुस्से में आकर, चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे मजाक करने चली थी। अगली अमावस्या को 2 दिन है और इन 2 दिनों में तुमने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की तो चांद के साथ साथ तुम भी गायब हो जाओगे। ये कहकर वो ऋषि वहाँ से चला जाता है। शायद इस ऋषि को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। शाम होते ही मैं ही उस चांद को चुरा लूंगी। फिर देखती हूँ मैं कैसे गायब होती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन वन ऋषि और चुड़ैल की बातें एक गांव वाला सुन लेता है और ये खुशी खुशी जाकर सारे गांव में बता देता है। एक ऋषि ने उस चुड़ैल को 2 दिन में खत्म होने के लिए शाप दिया है। 2 दिन बाद इस गांव में जश्न होगा, क्योंकि ऋषियों के शाप से आज तक कोई नहीं बच पाया है। आधी रात को सबके सोने के बाद, गांव वालों, मेरी मौत का जश्न मेरे मरने से पहले मना रहे थे ना, अब देखो मैं तुम्हारे जश्न को कैसे बर्बाद करती हूँ। ये कहते हुए वो चुड़ैल एकदम से एक चमगादड़ में बदल जाती है और उड़कर चांद के पास चली जाती है। चांद वैसे तो काफी बड़ा होता है, लेकिन वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस चांद को अपनी मुट्ठी जितना बना देती है और अपने साथ उस चांद को धरती पर ले आती है। अगले दिन शाम को जब चांद नहीं निकलता तो सारे गांव वाले अजीब दुविधा में पड़ गए थे। ये मैंने क्या कर दिया? अगले दिन सुबह बाजार में सब चांद के बारे में बात कर रहे थे। तब वहाँ पर वो ऋषि आकर, हमारे चांद को उस चुड़ैल ने चुरा लिया है और ऐसा सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आज शाम को जो भी होगा उस सब का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वो ऋषि अपने आप को गायब कर देते हैं। शाम को वो चुड़ैल अपने साथ चांद को लेकर गांव में आती है। तुम्हें मेरे मौत का जश्न मनाता ना, अब देखो मैं तुम सबको मौत का जश्न कैसे मनाती हूँ। जैसे ही चांद के गायब होने का समय शुरू होगा वैसे ही मैं सारे गांव को जिंदा जला दूंगी। ये बात सुनते ही सारे गांव वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है डर के मारे। लेकिन कुछ देर बाद वो चांद गायब होने लगता है और जैसे चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है वो चुड़ैल वहीं चीखते हुए जलकर मर जाती है। उसके जाने के बाद ऋषि वापस आ जाते हैं। मैं ये बात भूल गया था कि विधि का विधान को कोई नहीं बदल सकता। अब आप सब चुड़ैल से मुक्ति हो गए हो, खुश रहो। ये कहकर ऋषि चले जाते हैं।